और ये बात साफ है कि संत शोभन सरकार सामने नहीं आते, लेकिन उनके शिष्य जिस 1000 टन सोने के खजाने का दावा कर रहे हैं वो शोभन सरकार के हवाले से ही जमाने को बताया गया है। ऐसे में शोभन सरकार खजाने की कहानी की जवाबदेही से बच नहीं सकते, लेकिन उनके शिष्य जिस तरह अपने गुरु की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं उससे खजाने का पहला खलनायक शोभन सरकार के शिष्य ही हैं। बेशक ये चेहरा किले में दफन 1000 टन सोने का दावा करने वाले ओम जी महाराज का है, बेशक इन्हें खजाने का खलनायक कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि ओम महाराज किस आधार पर 1000 टन सोने के खजाने का दावा कर रहे हैं? क्या खजाने की बात सबसे पहले उनके गुरु शोभन सरकार ने अपने शिष्यों को नहीं बताई? क्या शोभन सरकार के चाहने पर भी उनके शिष्यों ने ये बात सरकार तक नहीं पहुंचाई? क्या खजाने से शोभन सरकार का नाम जोड़ने की वजह से सरकार खुदाई के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए खजाना नहीं मिलने की जिम्मेदारी शोभन सरकार पर भी होगी? इसलिए अगर ये कहा जाए कि खजाने के खलनायकों में पहला नंबर ओम जी महाराज का है तो शायद गलत नहीं होगा। ये अलग बात है कि अपने गुरु के हवाले से ओम जी महाराज ने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए कि उसे हजम करना नामुमकिन हो गया। किले में खजाने का दावा करने वाले, राजा की आत्मा से मुलाकात का दावा करने वाले साधु शोभन सरकार खुद तो मीडिया के सामने आते नहीं, लेकिन शोभन महाराज के प्रवक्ता के तौर पर ओम जी महाराज शुरू से ही मीडिया के सामने आते रहे और किले में खजाने का दावा करते रहे। महान संत ने मुझे बैठ के चर्चा की और मुझसे बोले रुपया ऐसा क्यों गिर रहा, क्या वजह इसकी और डॉलर इतना ऊपर क्यों है? तो मैंने बताया उनको कि रिजर्व बैंक का गोल्ड का मामला है पूरा पूरा। बोले चाहे एक काम करो, गोल्ड अगर हम दे दें भारत सरकार को तो भारत सरकार ले लेगी। मैंने प्रश्न किया आप कहां से देंगे? बोले ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, गोल्ड मुझको देना है। तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखो 1000 टन गोल्ड डोरिया किले से निकाल दें। किले से निकाल दें, राजा की संपत्ति है। राजा ने मुझसे कहा, अब आप बताइए वो ये मुझसे कह रहे। मैंने कहा मैं लिख के भेज दिया। ओम जी महाराज की ये बाइट खजाने के लिए खुदाई शुरू होने से करीब एक हफ्ते पहले की है। कैमरे के सामने ओम जी महाराज ने खजाने के बारे में इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि पूरे देश को लगा कि अब सबकी किस्मत बदलने वाली है। करोड़ों लोगों को ओम जी महाराज के दावे में दम भी नजर आने लगा था और हजारों लोग अपना काम धंधा छोड़कर खजाना देखने के लिए किले में पहुंच गए थे, लेकिन 3 दिन, जी हाँ सिर्फ 3 दिन की खुदाई के बाद अभी तक एक भी सिक्का नहीं मिला है। 1000 टन सोना तो भूल ही जाइए। हालांकि हमने खुदाई के दूसरे दिन भी ओम जी महाराज से खजाने के बाबत सवाल किया तो उन्होंने फिर से किले में खजाना होने का दावा किया, लेकिन शर्तों के साथ। ऐसा नहीं निकलेगा, ये मेरा वचन है, जब नहीं निकलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझसे पूरी खुदाई खर्चा दे दे और मैं जेल भेज दे। उसके अलावा जो मैंने बातें कही है, इन बातों की टेस्टिंग, संत की कृपा की टेस्टिंग किसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से नहीं हो सकती, संत की कृपा की टेस्टिंग उनके सम्मुख जाकर याचना करने से ही हो सकती है। ओम जी महाराज का दावा है कि किले में सोना मौजूद है, लेकिन 15 फीट खोदने के बाद ही वो सोना हाथ आएगा। इतना ही नहीं, ओम जी महाराज ने तो बड़बोलेपन की हद ही कर दी। उन्होंने दावा किया कि वो आसपास के इलाके से ही 21,000 टन सोने का खजाना दिलवा सकते हैं। बोले बोले फिर भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर से कहो और वित्त मंत्री से कहो कि अपना एक आदमी हमारे पास भेजा, 21,000 टन तो अभी दे देते हैं, यहीं से आसे पास उठवा देंगे। और बोले वो देंगे जो जमीन के नीचे किसी ने आज तक देखा नहीं है या खुले में पड़ा जो आज तक उठा नहीं पाया। खजाने के खलनायकों में शामिल ओम जी महाराज सिर्फ दावे पर दावे करते जा रहे हैं, पहले 1000 टन सोने का दावा और अब 21,000 टन का दावा, लेकिन 3 दिन की खुदाई के बाद वहाँ 3 ग्राम सोना भी नहीं मिला। हालांकि ओम जी महाराज के मुताबिक 15 फीट की खुदाई से पहले सोना मिलने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। बहरहाल ओम जी महाराज कुछ भी दावा करे, जो पब्लिक कल तक इन पर और इनके गुरु शोभन सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, उनकी बातों को पत्थर की लकीर मानती थी, अब वही लोग उन पर सवाल खड़े करने लगे हैं। सोना मिलना होता तो बहुत पहले मिल जाता, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि अब यहाँ पे सोना मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अंग्रेज जितने बुद्धिमान थे, अगर होता यहाँ पे सोना तो उन्होंने इतने टाइम तक शासन किया, वो लोग खोद ले जाते। तो नहीं लगता कि यहाँ मिल पाए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब अफवाहें हो सकती हैं। लगता है कि इतना सोना यहाँ हो नहीं सकता, अगर होगा भी बाई चांस, क्योंकि ये तो राजघराना था यहाँ पे,
हो सकता हो कोई 100 किलो या इसके आसपास एक क्विंटल के आसपास या 50 किलो निकला, लेकिन 1000 क्विंटल की बात तो बिल्कुल सिरे से खारिज की जा सकती है। बातें ही हैं, बातों का क्या, लोग बातें ही करते रहते हैं। हालांकि जैसे कि कह रहे हैं सोना मिलेगा, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मिल भी सकता है, लेकिन जिस हिसाब से बात हो रही है उस हिसाब से सोना नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हमको तो अंधविश्वास लगता है सर, सोना नहीं निकलेगा यहाँ पर, सब अंधविश्वास है, ये सब झूठ है, गफला है, बेकार को मीडिया वालों को परेशान कर रहे हैं। कोई खजाने के सपने को साधु का पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है तो कोई उसे कोरा अंधविश्वास। बहरहाल किले में खजाना देखने के लिए जमा भीड़ अपने घरों को जा चुकी है, खजाने की उम्मीद खत्म हो रही है, लेकिन दाद देनी होगी खजाने के खलनायक ओम जी महाराज की, जो अभी भी दावा कर रहे हैं कि खजाना तो किले में ही मिलेगा। कुमार कुंदन, उन्नाव, News 24। शोभन सरकार या उनके शिष्य लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं। इसका जवाब है कि जब सरकार साथ हो और उस पर भी स्वर्णिम बुखार चढ़ गया हो तो फिर शोभन सरकार के शिष्य 1000 टन सोने को बेमानी क्यों साबित करेंगे। ऐसे में खजाने की खुदाई की बात सबसे पहले दुनिया को बताने केंद्रीय मंत्री खजाने के दूसरे खलनायक साबित हुए हैं। किले में 3 दिनों के खुदाई के बाद जब कुछ भी नहीं निकला तो एक केंद्रीय मंत्री भी खजाने के खलनायकों की फहरिस्त में शुमार हो गए। डोडियाखेड़ा के किले में खजाने के लिए जो खुदाई चल रही है उसके लिए ओम जी महाराज के साथ साथ केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत भी बराबर के भागीदार हैं। चरणदास महंत ही वो मंत्री हैं जिन्होंने शोभन सरकार और ओम जी महाराज की बात को सच मानते हुए किले में खजाने की खुदाई के लिए सरकार को तैयार किया। वो बाबा जी को पता लगा कि मैं शायद अच्छा महंत हूँ, यानी मैं भी बाबा हो सकता हूँ। मुझ पर उनने विश्वास किया, मुझे बुलाया कि कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने के भंडार हैं, यदि आप इसको केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। तो मैंने यहाँ जिन जिन को कह सकता था, मैंने सोनिया जी से बात की, मैंने राहुल जी से बात की, मैंने यहाँ के वित्त मंत्री जी से बात की, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लिया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ उसका, जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ न कुछ अंदर है। हैरानी की बात है कि चरणदास महंत ने खुद मीडिया के सामने माना था कि उन्होंने साधु शोभन सरकार के सपने के आधार पर किले में खजाने की खुदाई के लिए कई मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक से बात की। शायद उसी बातचीत का नतीजा है कि पहले तो एएसआई ने किले में सर्वे किया, खुदाई के लिए निशान लगाए और फिर 18 तारीख से किले में खुदाई भी शुरू कर दी। खुदाई की शुरुआत खुद उन्नाव के डीएम और एसपी ने फावड़ा चलाकर की। 3 दिन बीत चुके हैं खजाने के लिए चल रही खुदाई को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये माना जाए कि किले की जमीन में कोई खजाना गड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, साधु के सपने को सच मानकर किले में खुदाई कराने के लिए सारे इंतजाम कराने का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत अब कुछ बोलने को तैयार नहीं। खजाना मिलेगा या नहीं, इस बारे में चरणदास महंत बात करने के लिए कैमरे के सामने आने को राजी नहीं है। खजाने की उम्मीद में किले में उमड़ी भीड़ को तो शायद अंदाजा हो गया है कि खजाना मिलना नामुमकिन है, इसलिए अब किले की तस्वीर बदल गई है। जहां हजारों की भीड़ बिना खजाना देखे घर जाने को तैयार नहीं थी, वहां अब सन्नाटा छाता जा रहा है। लगता है जनता के साथ साथ मंत्री चरणदास महंत को भी हकीकत का एहसास हो गया है, इसलिए अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर एक मंत्री कैसे किसी साधु के सपने के फेर में फंस सकता है, जबकि खुदाई शुरू होने से पहले ही सियासी दल इसका विरोध कर रहे थे। अंधविश्वास से लड़ने के हथियार साइंटिफिक हमारे हाथ में आए हैं तो हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, और ये एएसआई और जेएसआई क्यों बैठी रही, क्यों नहीं खंडन इसने किया, इतना
इतना है ना देश में, जैसे जैसे हमारी आजादी की उम्र बढ़ रही वैसे वैसे पतन हमारा हो रहा है। वहाँ फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट एजेंसी ऐसे इसमें उन्होंने ऐसे काम में हिस्सा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हिस्सा निकलने वाला तो कुछ नहीं। युवाबाजी को ज्यादा महत्व मिलता है, ये बिल्कुल गलत काम है। कभी कभी हंसी आती है कि इतना बड़ा वैज्ञानिक युग है ये, और इसी समय में ऐसी बात के माध्यम से समाज के अंदर भ्रम फैलाए सरकार, इसके बारे में सरकार को जरूर चिंता करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये विज्ञान का युग है, अगर किसी को सपना आया तो वो सपने के पीछे सरकार भी चले, ये बहुत अच्छी बात नहीं। और कम से 3 दिन की खुदाई के बाद ही खजाने का तमाशा सिमटता सा नजर आ रहा है। अब तो आम लोग भी साधु के सपने को सिर्फ हवा हवाई दावे करार दे रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर एक मंत्री ने उस हवा हवाई दावे पर यकीन कैसे कर लिया? क्यों उसने किले में खुदाई के लिए सारा अमला लगवा दिया? इस सवाल का जवाब तो खुद मंत्री चरणदास महंत को ही देना चाहिए। उन्नाव से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।